और सरकार के 4 साल पूरा होने पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आज आयोजन किया जाना है। इसके अलावा आपको बता दें, भोपाल से एक खबर है जहां पार्षदों की पाठशाला आज होने जा रही। नगरीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मेलन आज होने जा रहा है। सभी 7600 निर्वाचित जनप्रतिनिधि इस दौरान एकत्रित होंगे। तो राजधानी भोपाल में पार्षदों की पाठशाला आज होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल होंगे, जो कि इन सभी को प्रशिक्षित करेंगे। बता दें आपको कि पार्षद, नगर परिषद, नगर पालिका अध्यक्ष और महापौर इसमें शामिल होंगे। विकास, जन कल्याण और समाधान का संकल्प, ये विषय है इस सम्मेलन का, जिस पर मंथन किया जाएगा। तो सम्मेलन में शहरों के विकास की बात होगी, विकास का खाका तैयार किया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य विषय होंगे और कई अन्य सत्र होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान इन सभी को प्रशिक्षित करेंगे। चलिए जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ और भी ज्यादा जानकारी के लिए सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, विस्तार से जानकारी दीजिए, आज पाठशाला रखी गई है, नगरीय निकायों के निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उन्हें प्रशिक्षित आज करेंगे प्रदेश के मुखिया। मध्य प्रदेश में करीब 400 नगरीय निकाय हैं जिनके 7500 से ज्यादा जनप्रतिनिधि आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। खासतौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से विकास, जनकल्याण और समस्या का संकल्प, समाधान का संकल्प लेते हुए इन तीन विषयों पर संगोष्ठी करेंगे। खासतौर से अलग अलग विषय पर कार्यशाला होगी और किस तरीके से विकास का एक खाका तैयार करना है ताकि नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी विकास जो है वो शिखर पर पहुंचे। यही कारण है कि आज पंचायत प्रतिनिधियों के बाद नगरीय निकाय क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को बुलाया है और तमाम जो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के महापौर हैं वो आज शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी भोपाल में आयोजित किया जा रहा है नगरीय निकाय क्षेत्र को लेकर, कि किस तरीके से नगरीय निकाय क्षेत्र में विकास करना है, किस तरीके से जो डेवलपमेंट के काम है वो तमाम विभागों से समन्वय बनाकर करना है, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर करना है और जो क्षेत्र के लोग खासतौर से अलग अलग कॉलोनीज में यदि बात करें तो उन क्षेत्र के लोगों को जो रहवासी हैं उनसे बातचीत करके समन्वय बनाकर किस तरीके से क्षेत्र का विकास करना है उसको लेकर कई टिप्स दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर सरकार का यही प्रयास है कि अलग अलग क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको किस तरीके से डेवलप करना है, सबका समन्वय बनाना है और सभी विभागों को साथ लेकर चलना है, ताकि कई बार देखा जाता है कि अलग अलग विभागों में समन्वय नहीं बन पाता जिसके चलते विकास रुक जाता है। यही कारण है कि एक बार एक छत के नीचे यानी एक मैदान में तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इकट्ठा करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें टिप्स देंगे कि किस तरीके से जनकल्याण करना है, विकास करना है और समाधान, जो समस्या का संकल्प है, समाधान का संकल्प वो कैसे लेना है। तो तीन से चार ऐसे विषय बिंदु हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री आज संबोधित करेंगे और अलग अलग विषयों पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनको टिप्स दिए जाएंगे। जी शुक्रिया आपका सूरज, फिलहाल जानकारी के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शाला इसे कहा जाएगा, जिसमें शहरों के विकास पर चर्चा होगी कि आपके शहर का, आपके वार्ड का विकास किस प्रकार करना है। और बता दें आपको, पार्षदों की पाठशाला आज जिसमें खुद प्रदेश के मुखिया इन्हें संबोधित करेंगे, इन्हें प्रशिक्षित करेंगे।